हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सो गाइस, मैं बहुत लेट हो गई हूँ अपना वीडियो अपलोड करने में। सो चलिए देखते हैं कि मैंने ये प्यारा सा सॉफ्ट रक्षाबंधन मेकअप लुक किस तरीके से क्रिएट किया है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे फेस पर टोनर अप्लाई किया था, बट वो क्लिप उसे मिस हो गई है, सॉरी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। इसमें विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन है, जो कि हमारे फेस को सॉफ्ट करता है एंड ग्लोइंग बनाता है। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे एन वाई वे का प्राइमर लिया है एंड पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। सो ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। सो डैप डैप करके मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। गाइज, मैंने बहुत ही लाइट एंड बहुत ही ईजी मेकअप लुक रखा है, क्योंकि एंड मैंने बहुत ही कम बेस को अप्लाई किया है। सो मैंने यहाँ पे सिस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, मैं उसे मेरी आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी कुछ उस तरीके से। मैं पूरे फेस पे उसको अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन को नहीं यूज़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा रक्षाबंधन में ह्यूमिडिटी होती है, जिससे कि हमारा बेस निकल सकता है। तो अगर आपको बेस अपना मेकअप अपना लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो आप ही कम बेस को अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, जिससे कि हमारा जो मेकअप है काफ़ी टाइम तक स्टे करेगा एंड काफ़ी ग्लोइंग एंड हेल्दी हमारा मेकअप रहेगा। तो मैंने इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया है। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं यहाँ पे आई शेडो के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर को एज अ बेस मैंने अपने आईलिड पर इसको अप्लाई किया है एंड अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है स्विस ब्यूटी का एंड ईजिली ब्लेंड हो जाता है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैंने यहाँ पे मार्स का सेटिंग पाउडर अप्लाई किया है। मैं इससे अच्छे से अपने पूरे बेस को बेकिंग कर लूँगी, बिकॉज़ समर है, तो समर में अगर हम बेकिंग करेंगे तो हमारा मेकअप है काफ़ी अच्छे से लॉक हो जाएगा। सो मैं यहाँ अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी अपने आईलिड पर भी, मैं अपने पूरे फेस को बेक कर लूँगी एंड इसको 2-3 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। तब तक मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करती हूँ। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है। मैं इसे ही ज़्यादातर अप्लाई करती हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। सो मैंने इस पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड अपनी आईब्रो को मैं अच्छे से इसको फिल कर लूँगी। गाइज, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं बट लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा एंड बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी एंड इसको स्पूली की हेल्प से ब्रश कर लूँगी अपने आईब्रोज़ को। मैंने अच्छे से इसको कोम्ब कर लिया है एंड मैंने जो भी बेकिंग किया था मैं उसको अच्छे से डस्ट आउट कर लूँगी। काफ़ी अच्छे से मेरा बेस सेट हो चुका है एंड अब मैं यहाँ पर आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ। सो आई शेडो के लिए मैंने ये आई शेडो पैलेट लिया, ये ट्यूब आई शेडो पैलेट है गाइस, हुडा ब्यूटी का। मैंने इसको भी रिसेंटली ही परचेज़ किया है। सो मैंने यहाँ से एक लाइट पीची शेड लिया है एंड इसको मैं अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से प्लेस कर लूँगी। बहुत ही लाइट मेकअप है आईज़ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिससे कि हमें बहुत हैवी लगने लगता है। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही लाइट मेकअप किया है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चाहे आपका ड्रेस कोई भी हो, इस तरीके का मेकअप आप कर सकते हैं। मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग पे हमें प्रॉपर ध्यान देना है। मैंने मेरी पूरी आईलिड पे इसको अप्लाई कर लिया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सॉफ्ट मेकअप है। सो
सो अब मैंने यहाँ पे एक शिमर शेड लिया है एंड इसको अपनी पूरी आईलेट पे प्लेस कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको शिमर शेड को अप्लाई कर लिया है। सो मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी एंड मैंने यहाँ पे मेबलिन का आईलाइनर लिया है। मैं आईलाइनर को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। छोटा सा मैंने विंग यहाँ पे ड्रॉ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने ड्रॉ किया है, बहुत ही नेचुरल एंड सटल सा मेकअप है ये गाइस, बहुत ही प्यारा मेकअप लुक है। सो गाइस ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस पे बहुत ही ज़्यादा ये वायरल हैक है, मैंने आज इसको ट्राई किया है। मैंने यहाँ पे NYB की लिपस्टिक ली है एंड मैंने इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे इसको अप्लाई कर लिया है एंड मैंने अब यहाँ पे उसी कंसीलर को लिया है एंड मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड अपने चीक्स पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। ऐसा ब्लश अप्लाई करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है एंड काफ़ी टाइम तक ये स्टे करता है एंड जो पाउडर ब्रश हम अप्लाई करते हैं वो थोड़े टाइम बाद वो उड़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा था मैंने जब इसको ट्राई किया था। आप लोग चाहे तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो मैंने इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पाउडर से पूरे बेस को मैं सेट कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मेकअप लुक लग रहा है एंड मैंने यहाँ पे NYB का काजल लिया है। ये काजल काफ़ी अच्छा है, वाटर प्रूफ है एंड स्मश प्रूफ है, 1 स्ट्रोक में ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है। सो मैंने मेरे पूरे आईलेट पे अप्लाई किया था जो सा कलर, वही कलर मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी जिससे कि हमारा 100% वाटरप्रूफ हो जाए एंड काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे हमारी आई सूनी सूनी लगती है, इस तरीके से करें तो हमारी आई सूनी सूनी नहीं लगती है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करूँगी अपनी हाईलाइटेड पॉइंट पर। मुझे हाइलाइटर को अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया अच्छे से जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है। सो गाइस मैंने उसी हाइलाइटर को अपने मैंने यहाँ पे मार्स का मस्कारा लिया है एंड अच्छे से, अगर आप यहाँ पे चाहें तो फॉल्सेस लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से आप मस्कारा को अप्लाई करके एंड यू गुड टू गो। अच्छे से 2-3 कोट करूँगी जिससे कि हमारी जो लैशेज है काफ़ी अच्छी वॉल्यूमाइज हो जाएगी। काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये एंड मैंने यहाँ पे मेबलिन की लिपस्टिक ली, काफ़ी प्यारा शेड है ये, मैट है। मैं इसको अच्छे से अपने लिप से पूरे अप्लाई कर लूँगी। सो आप लोग देख सकते हैं, प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा एंड अगर आपको कोई भी गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ढेर सारा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। बाय।